आज शाम 8 बजे सैयद अयान, जो नरसी फुलबाग के रहने वाले हैं, उम्र 18 साल, जो पेशे से जो है इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डिंग का काम करते हैं, वेल्डिंग का जो है उनका काम है, काम के सिलसिले में साइट पर गए थे बालापुर। वहाँ पर जो है एक बारिश हो रही थी, वेल्डिंग मशीन के इलेक्ट्रिक मशीन था, काम के दौरान शॉर्ट लग के जो है हादसे में उनकी मौत वाक़ई हो गई। जैसे ही उसकी इत्तला मिली, हमारे मुकामी मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान और मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के रुकन बल्दिया हल्के उपगड़ा फहद बिन अब्दार मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नोटिस में लाए और उनकी हिदायत पर यहाँ पर पहुँच कर बॉडी को जो है दवाखाने उस्मानिया में पुलिस को इत्तला करते हुए पुलिस के ज़रिए जो है मॉर्चरी में डिपॉजिट करवाए। बड़ी अफसोस का जो है का मुकाम है कि घर का जो है एक ज़िम्मेदार लड़का था, वो जो है हम उनके जो है गमों में ऐसे जो है दुख की घड़ी में हम उनके साथ में हैं। कल इंशाल्लाह इसको फॉलो अप करते हुए दवाखाने उस्मानिया में मॉर्चरी में जाकर बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद में जो है वर्षा के हवाले किया जाएगा और जैसा ही जो है वहाँ से पोस्टमार्टम होगा तो यहाँ के ये लोग जो है वो इनके वर्षा तय करेंगे कि जो है असर में करेंगे या आप जोहर में करेंगे या मगरिब में करेंगे। बॉडी के कल इतवार है लेकिन इंशाल्लाह हबीब मिल्लत मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को जो है के ज़रिए वहाँ के प्रोफेसर से बात करवा कर बॉडी को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे और बॉडी को इनके हवाले करते हुए कल इंशाल्लाह उसकी तदफीन भी अमल में आएगी। हाँ, बाकी जो बेनिफिट्स हैं नसीब मिलत बैरुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का लेटर लेकर आपात बंधु है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से ऐसे हादसात में जो मौत वाक़ होती हैं उसमें जो भी स्कीमत है और इंशाल्लाह उसमें रिप्रेजेंटेशन देके जो है इनको इनके वर्षा को जो है वो उस उन बेनिफिट से इंशाल्लाह इस्तेफादा करेगी।